जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसके का सेकेंड सेट करने वाले हैं, सेट टू का हम लोग हिंदी का पार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जीके का पार्ट, उसके बाद फिर रीजनिंग, फिर मैथ आपको करा दिया जाएगा, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे प्रश्नों के विकल्पों में मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं, मुहावरे के सही अर्थ को हमें चूज करना है। यहाँ पर आपका 51 दिया गया है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखिए, जहां भी हम बकरे शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि हम बोलचाल की भाषा में, तो वहां पर क्या होता है, खतरा होता है। जैसे आप लोग ये मुहावरे सुने होंगे कि बलि का बकरा होना, मतलब सारी गलती किसी एक पर डालना, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अर्थात खतरों से कब तक बचा जा सकता है, जो कि यहाँ पर 51 के ए में ही दिया गया है कि खतरों से कब तक बचा जा सकता है। तो 51 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 52 दिया गया है, हाथ धरकर बैठना। हाथ धरकर बैठना मतलब हो गया कि कोई भी कार्य ना करना। यदि आप कुछ भी प्रयत्न नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए मेहनत करना पड़ता है हमें, हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। तो देखिए, हाथ धरकर बैठना मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी प्रयत्न ना करना। तो 52 का बी उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े। अब आपको निर्देश दिया जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। ये भिन्न भिन्न विकल्प हैं, इसमें से क्या है कि तीन शुद्ध हैं और एक अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध है उसे हमें ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर आपका 53 दिया गया है शमशान, उसके बाद दिया गया है विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर विज्ञान ये जो दिया गया है गलत लिखा गया है। विज्ञान क्या लिखा जाता है, वहर्षिकार जो आकार नो, ऐसे लिखा जाता है ना। उसके बाद व्यंग दिया गया है, उसके बाद आचरण दिया गया है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया, बी वाला। इसमें क्या है, विज्ञान में गोया संयुक्त जो दिया गया है यह अशुद्ध है। तो 53 का बी उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 दिया गया है विज्ञान अर्थ शीघ्र। देखिए यहाँ पर जो आपको शीघ्र दिया गया है, शीघ्र गलत दिया गया है। शीघ्र में क्या होता है, शौ दीर्घिकार घोर संयुक्त, ठीक है, ऐसे शीघ्र लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है विभीषिका, तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया, 54 का सी हो गया। तो 54 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 55 आपको दिया गया है विद्यालय, तो विद्यालय की संधि कैसे की जाती है, विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय। यहां पर क्या होता है, आ जोर आ बराबर आ बन जाता है, ठीक है। देखिए, आ जोर आ बराबर दीर्घ आ, ठीक है। ये कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो दीर्घ मिलकर दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात यह कौन सी संधि हो गई, यह आपकी दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर विद्या जोर आलय, यहाँ पर आपको 55 के बी में दिया गया है। तो 55 का बी उत्तर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया है अन्वेषण का संधि विच्छेद करना है। देखिए अन्वेषण में क्या होगा, अनु जोर एशन, ठीक है। यहाँ पर जो संधि होगा वह अनु जोर एशन होगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। यहाँ पर क्या है, उ और ए मिलकर ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके अन्वय हो गए, ओके। यह कौन सी संधि है, यह आपकी गुण संधि है, ठीक है। तो 56 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े। अब आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, उस अनुच्छेद को हमें पहले रीड करना है, फिर उसके अनुसार पर तीन चार प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें उसका उत्तर देना होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अनुच्छेद को रीड कर लेते हैं। तो अनुच्छेद आपका दिया गया है कि महाकवि सूरदास का सूरसागर, सूरसागर क्या है, एक यह ग्रंथ है, श्रीमद भगवत के आधार पर लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है। यह जो ग्रंथ है वह श्रीमद भगवत के आधार पर लिखा गया है, इसलिए महाकवि सूर ने भी ब्रह्मा की यही स्वरूप का वर्णन किया है और भगवान श्री कृष्ण को अपनी उपासना का केंद्र मानकर वैष्णव संप्रदाय सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया, ठीक है। देखिए सूरदास ने क्या किया कि कृष्ण को केंद्र माना और कृष्ण को केंद्र मानते हुए वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में वैदिक रचनाओं में वर्णित सिद्धांत ही वैदिक धर्म के प्राकंड आचार्यों द्वारा चारित हुए। काल और स्थिति के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। सर्वप्रथम दृष्टि से भगवान कृष्ण ने इन वैदिक सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन कर शूरकालीन वैष्णव धर्म का शिलान्यास किया। देखिए जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि वैष्णव धर्म का शिलान्यास किसने किया, तो वह होगा श्री कृष्ण ने, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर वैष्णव धर्म का शिलान्यास किया, अतः भगवान श्री कृष्ण को ही वैष्णव धर्म का प्रथम आचार्य कहना ही अनुचित होगा। किसके अनुसार, सूरदास के अनुसार, ठीक है। धार्मिक और ऐतिहासिक अनुसंधानों के अनुसार वेदों और साहित्यों की रचना भिन्न भिन्न काल में हुई, ठीक है। उदाहरणार्थ यजुर्वेद संहिता में
कोसी नामक राक्षस का कृष्ण द्वारा वध किए जाने का उल्लेखन है। ठीक है, किसमें है? यजुर्वेद में है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह संहिता कृष्ण जन्म के बाद लिखी गई है। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को देखते हैं। 57 आपको दिया गया है कि उक्त गाद्यांश का सारांश यदि एक पंक्ति में इस प्रकार हो सकता है, यहाँ पर आपको चार पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में से कोई एक पंक्ति जो होगा यह पूरे गाद्यांश का सार हो जाएगा। तो इस पंक्ति को पहले पढ़ते हैं। आपका पहला दिया गया है कि श्रीमद् भगवत ग्रंथ जो है वह सूर सागर की रचना का आधार है। सेकंड दिया गया है श्रीमद् भगवत नहीं अपितु ब्रह्मा वैतब पुराण सूर सागर का आधार है। देखिए यह जो सेंटेंस है यह कुछ ज्यादा ही लंबी है और ऐसा हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया गया है महाभारत ग्रंथ सूर सागर का आधार है। बिल्कुल नहीं, सूर सागर का आधार कौन है? श्रीमद् भगवत, यह गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए वैदिक रचनाएं सूर सागर का आधार है, देखिए यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि वैदिक आधार पर क्या किया गया था? समाज की रचना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पंक्ति सही हुआ? सिर्फ आपका पहला पंक्ति जो दिया गया है श्रीमद् भगवत ग्रंथ जो है वह सूर सागर की रचना का आधार है और यह बिल्कुल सही पंक्ति दिया गया है। तो 57 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 58 दिया गया है हिंदी साहित्य में भक्ति तथा रीति काल को सम्मिलित करने के तीन उत्तम कवि माने गए हैं, जिसमें कि प्रथम, तो सबसे महाकवि कहे जाने वाले कौन है? सूरदास है ना, तो प्रथम यहाँ पर कौन हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। तो 58 का ए उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो गाद्यांश दी गई है उसमें भी सूरदास की चर्चा की गई है, तो इसके अनुसार भी सूरदास ही आएंगे। ठीक है, 59 दिया गया है महाकवि सूरदास भक्ति काल में शगुन भक्ति की, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़िए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, दूसरा राम व कृष्ण दोनों की भक्ति के शाखा के कवि थे, सी अस्मता कवि थे, डी उपयुक्त किसी शाखा के कवि नहीं थे। देखिए सूरदास ने क्या किया कि श्रीमद् भगवत के आधार पर कृष्ण को अपना गुरु माना और उन्हीं की चर्चा हर जगह की, उन्हीं की भक्ति हर जगह की। ठीक है, तो 59 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, आगे बढ़े। 60 दिया गया है इस गाद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अब ये जो पूरा गाद्यांश दिया गया है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? चार ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए दिया गया है सूरसागर का प्रयज्ञ, बी दिया गया है वैष्णव धर्म के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण, सी दिया गया है पार ब्रह्मा श्री कृष्ण, डी दिया गया है वैष्णव धर्म का शिलान्यास। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है? वैष्णव धर्म के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को माना है ना, तो यहाँ पर 60 का बी उत्तर हो जाएगा। वैष्णव धर्म के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को माना गया है और यह गाद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भी हो सकता है। ठीक है, यदि आप कोई गाद्यांश पढ़ते हैं तो उसका शीर्षक क्या होगा यह आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि यही आपसे एग्जाम में एक नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है, तो त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए बी सी छांटिए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। 61 दिया गया है राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लेटने लगे, यह वाक्य जो है यह रामायण से ली गई है। यदि आप हिंदी में पढ़ोगे रामायण को तो उसमें आपको यह वाक्य मिलेगा और इस वाक्य में मुझे कहीं कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी। ठीक है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लेटने लगे, वक्ष मतलब छाती पर सांप लेटने लगे, उन्हें घृणा होने लगी राम से, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो 61 का डी उत्तर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। 62 दिया गया है मनुष्य को कभी कभी अपने धन जन पर भी दिया गया है गौरव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अचिर स्थानीय है। देखिए मनुष्य को कभी भी अपने धन या जन पर गौरव नहीं होता है, उन्हें क्या होता है? घमंड होता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है यह शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलती किसमें होगी? 62 के बी में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रश्न में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो उपयुक्त विकल्प है उसको चूज करना है। 63 दिया गया है मानव मन भी विचित्र है, वह डैश कार्यों की ओर अधिक लपकता है। देखिए मानव का जो मन है वह ऐसे कार्यों की ओर जाता है जो मनुष्य को ना करना हो, वह सोचता है कि यह छोटा सा काम है इसमें अत्यधिक मेहनत नहीं है तो इसे हम नहीं करेंगे और यह काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से आपको ढूंढना है टालने योग्य काम, जो कि यहाँ पर वर्ज्य दिया गया है। ठीक है, वर्ज्य यहाँ पर देखिए वी में दिया गया है वर्ज्य, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। जो टालने योग्य कार्य होता है वह मनुष्य सिलेक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानव जन भी विचित्र है, वह वर्ज्य कार्यों की ओर ही लपकता है। ठीक है,
आगे बढ़िए 64 दिया गया है, सहज और डैश चीनी वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। तो सहज और नेचुरल जो प्राकृतिक व्यक्ति होगा वही सुखी रह सकता है। तो यहां पर देखिए प्राकृतिक से मिलता जुलता यहां पर दिया गया है, हाँ नैसर्गिक दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 64 का सी हो जाएगा नैसर्गिक, ठीक है यहां पर सी आ जाएगा। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहां पर ज्वाइन कर लें। यहां पर आप देख सकते हैं 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, और यहां पर जुड़ने का फायदा यह है कि आपको यहां पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहां पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहां पर डाल दी जाते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न के शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चूज करके लिखना है। यहाँ पर आपको दिया गया है आकर्षण, आकर्षण क्या होता है, एक केंद्र हो जाता है ना, सभी लोग उस पर ध्यान देने लगते हैं, मतलब ध्यान का केंद्र हो जाना, तो आकर्षक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, विकर्षक, जहां पर किसी की ध्यान नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर डी हो जाएगा, विकर्षक, और यहाँ पर आपको घृणा दिया गया है, तो घृणा का उल्टा क्या होता है, घृणा का उल्टा आपका प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम प्यार। फिर यहाँ पर देखिए पलायन दिया गया है, तो पलायन का क्या होगा, आगमन हो जाएगा, ठीक है। कुछ शब्द हैं जिनके विपरीत अर्थक होते हैं, तो उन सबको आप पढ़ के जाएंगे। आगे बढ़े 66 में दिया गया है अधर्म, तो अधर्म का क्या होगा, धर्म हो जाएगा, देखिए धर्म यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 66 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको निर्देश दिया जा रहा है कि एक वाक्य या शब्द समूह के चार चार विकल्प दिए गए हैं, आपको जो सही विकल्प लगे उसका चयन करना है। तो 67 दिया गया है जो पूछने योग्य हो, तो जो पूछने योग्य होता है उसको बोला जाता है प्रष्टव्य, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रष्टव्य जो है 67 के ए में दिया गया है, तो 67 का ए उत्तर हो जाएगा। 68 दिया गया है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, ठीक है, लास्ट टाइम था जिसकी भुजाएं लंबी हो, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, तो इसका होता है अजान बाहु, ठीक है। देखिए अजान बाहु यहां पर 68 के डी में दिया गया है, तो 68 का डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 दिया गया है उपमंत्री, उपकुलपति, उपाध्यक्ष, इन सब में देखिए उप उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है, तो ये जो उप उपसर्ग है यह किसका बोध कराता है, किसी चीज के अधिकता का, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति कार्यशील नहीं होंगे या वो आउट ऑफ इंडिया होंगे तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है ना, तो वह क्या है, इनकी अधिकता को दर्शाता है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 69 का डी हो जाएगा, अधिकता, ठीक है। अब देखिए 70 दिया गया है, शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वो डैश कहलाते हैं, तो किसी भी शब्द या क्रिया में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वह कहलाते हैं उपसर्ग। मैंने अभी आपको बताया ना, उपमंत्री, उपकुलपति, उपाध्यक्ष, यहाँ पर उप क्या है, उपसर्ग है ना, तो क्या हो जाएगा उत्तर, उपसर्ग हो जाएगा, तो 70 का सी उत्तर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि नीचे प्रश्नों में तीन बहुवचन व एक एकवचन दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, एक वचन वाले को छांटना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 71 दिया गया है, संख्याएं, दिशाएं, शेर और साधुगण, साधुगण से क्या होता है, पूरे साधु समाज का बोध होता है, दिशाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, संख्याएं 1 से लेकर 100 तक, ये सब क्या है, बहुवचन है, ठीक है। लेकिन शेर क्या है, एक वचन है, यहां से क्या होता है, किसी एक शेर का बोध होता है, तो 71 का सी उत्तर हो जाएगा। हिंदी का विशेष वीडियो आप सभी को दिया गया है, तो आप उन सबको देखकर ज्ञान हासिल कर सकते हो, ठीक है। 72 दिया गया है, ए बुढ़िया, बी बहन, सी अच्छे, डी लताएं, लताएं बुढ़िया बहुवचन। अब यहां पर दो रह गया, अच्छा क्या है, यह गुण को बोध करवाता है, ठीक है, तो यह हमेशा क्या होता है, बहुवचन में होता है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, बहन, ये आपका जो है एक वचन दिया गया, तो 72 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 दिया गया है, थैले में क्या रखा है, वाक्य में प्रयुक्त क्या शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कर्म, समास सब करवा रखे हैं, हेड कांस्टेबल की वीडियोस है वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैसा ही क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर थैले में क्या रखा है, तो इस क्या से किसका बोध होता है, प्रश्न का ना, तो यह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, तो 73 का बी उत्तर हो जाएगा, यह कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे बढ़े 74 दिया गया है, इन अकर्मक सकर्मक क्रिया युग्मों में से कौन सा युग्म विमेल है। यहाँ पर देखिए
अकर्मक सकर्मक दिया गया। अकर्मक कहने का क्या मतलब होता है? जिस वाक्य से क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। दूसरा दिया गया सकर्मक, तो सकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म पर फल पड़ता है वह सकर्मक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है गिरना गिराना, बिल्कुल सही है। अकर्मक सकर्मक, सुनना सुनाना, डरना डरवाना, यह गलत है। ठीक है, डी दिया गया उठना उठाना, यह बिल्कुल सही है। तो 74 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लास्ट आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में तीन पुल्लिंग व एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें स्त्रीलिंग को छांटना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है पानी मोती घी, और डी दिया गया है कविता। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होगा? पानी पुल्लिंग हो गया, मोती पुल्लिंग हो गया, घी पुल्लिंग हो गया। ठीक है, लेकिन कविता क्या है? वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो 75 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका हिंदी पार्ट पूरा हो गया। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे एराइज करता हूं, तब तक जो कि जीके से है वही मैं एराइज कर लेता हूं। ठीक है, कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, यह आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।